आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के को प्रोफेसर पीटर सी किजरवर्क, अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मसलिन और आरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्रैन किलवर्क नील्सन ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्य को उजागर करने में सहायक होगा। आदिमानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं ना कहीं आदिमानव के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास हैं। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में किजरवर्क सहित तीन वैज्ञानिकों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए तो फिर दोस्तों मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा होगा और यह रिश्ता कैसे बना होगा? दोस्तों, अभी तक कुछ अनुसंधानों के अनुसार आदिमानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हिडलवर्सिस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उप प्रजाति है और ये भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैले हुए थे। ये अत्यधिक बुद्धिमान थे जिनका दिमाग होमो सेपियंस से औसतन बड़ा था। उन्होंने बड़े शिकार किए। उन्होंने पौधों, कवक और समुद्री भोजन को इकट्ठा किया। खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोले से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तराशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार किया। इसमें युवा, बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वजों से मिले और यूरोपीय महाद्वीप को भी साझा किया। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों, पौधों सहित अनेक खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से अनुवांशिक रूप से अस्थिर रहे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया, यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात होते गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। डेनमार्क के संग्रहालय में मौजूद है अवशेष 99.7% समानता आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद प्राचीन सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया है कि आदिमानव का विलुप्तीकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई क्योंकि वह आने वाले खतरे को ना तो भाप पाई और ना ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में भी मानव गतिविधि भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही है। ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।